रुकिए रुकिए रुकिए, आप जो खा रहे हैं क्या वो सुरक्षित है? ये फैसला आप खुद ही कीजिए, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद। आप में असामान्य आकार वाले फल और सब्जियां तो जरूर देखे होंगे। इसके पीछे किसान की मेहनत नहीं बल्कि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन है। ये एक हार्मोन है जो कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है और इसे इलाज के तौर पर गर्भवती महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन अब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल लौकी, कद्दू, खीरा, तरबूज और बैंगन जैसे फल और सब्जियों के आकार और वजन बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। इससे रातों रात सब्जियों और फलों का आकार 50 से 60 गुना तक बड़ा हो जाता है। यही इंजेक्शन गाय और भैंसों को भी दिया जाता है ताकि वो अपनी क्षमता से ज्यादा दूध दे सके। हालांकि जानवरों पर इसका इस्तेमाल बैन है। एक और केमिकल है कॉपर सल्फेट, जो कि गहरे नीले रंग का होता है। इस केमिकल में सब्जियां डुबोने से वो ज्यादा हरी और ताजी दिखती हैं, जैसे मटर, तोरी, खीरा, परवल और अन्य हरी सब्जियां। ऐसे ही तरबूज में लाल डाई और मिठास का इंजेक्शन दिया जाता है। अब देखिए फलों में कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल। इसके पाउडर की पुड़िया को कच्चे फलों के बीच रखने से चंद दिनों में वो पक जाते हैं, जैसे केले, पपीता, आम और चीकू। लेकिन उनमें स्वाद नहीं होता और वो सिर्फ ऊपरी तौर पर पके हुए दिखाई देते हैं। इन केमिकल्स की वजह से आपके शरीर को क्या नुकसान हो सकता है, जरा ये भी जान लीजिए। ऑक्सीटोसिन की ज्यादा मात्रा शरीर में हार्मोनल असमानता बढ़ाती है, जिससे लड़कियां कम उम्र में वयस्क हो जाती हैं, और ये आंखों, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाता है। इससे गाय भैंसों की प्रजनन क्षमता पर बुरा असर पड़ता है और उनका जीवन कम हो जाता है। कॉपर सल्फेट की अधिक मात्रा शरीर में किडनी और लिवर पर बुरा असर डालती है और बुढ़ापा भी जल्दी आता है। ज्यादा कैल्शियम कार्बाइड शरीर में जाने से उल्टी, डायरिया, सीने और आंखों में जलन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसके अलावा स्किन अल्सर, अंधापन और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब इनसे कैसे बचें? इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नंबर एक, गली हुई, धब्बों वाली या असामान्य आकार वाले फल सब्जी ना खरीदें। नंबर दो, फल सब्जियों को इस्तेमाल करने से पहले पानी में भिगोकर रखें और फिर खूब अच्छे से धो लें। नंबर तीन, फंगस लगे फल सब्जियों को फेंक दें। नंबर चार, मौसम के फल सब्जियों का ही ज्यादा इस्तेमाल करें। नंबर पाँच, केमिकल और पेस्टिसाइड से बचने के लिए फल सब्जियों को छीलकर इस्तेमाल करें। इस तरह जागरूक बनकर ही आप खाने से केमिकल और पेस्टिसाइड्स के खतरों को कम कर सकते हैं।